उत्तर प्रदेश सरकार ने चैत्र नवरात्रि में सूबे में सुंदरकांड पाठ करवाने का आदेश दिया है। जिसके बाद सपा खेमे में लगातार खलबली दिखाई दे रही है। योगी सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में आदेश देते हुए मठ मंदिरों में दुर्गा सप्तशती और रामायण पाठ का आदेश दिया, तो यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी सपा की तरफ से इस फैसले का विरोध किया जाने लगा। रामचरितमानस की चौपाइयों और सनातन की आड़ में सियासत का पारा हाई है। इसी बीच सरकार की तरफ से प्रदेश भर में रामचरितमानस के पाठ का सरकारी आदेश आने के बाद सपा का बीजेपी पर हमला और तेज हो गया है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य चौपाइयों को लेकर लगातार विवादित बयान देने में जुटे हैं। वहीं योगी सरकार के आदेश के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की बौखलाहट और ज्यादा बढ़ गई है। इस सुंदरकांड का पाठ कराने का मतलब है 3% ऐसे लोग जो देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को नित्य प्रति अपमानित करना अपना धर्म समझते हैं, उनको बढ़ावा देना है। और 97% हिंदू समाज के वो लोग जिसमें देश की समस्त महिलाएं और शुद्ध समाज आता है, उसको मारने पीटने और प्रताड़ित करने का बढ़ावा देकर के इनका मजाक उड़ाने का एक घिनौना खेल खेला गया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार का ये निर्णय धार्मिक भावना से ओतप्रोत नहीं है, बल्कि इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को मारने पीटने और प्रताड़ित करने वाले लोगों को बढ़ावा देने का है। योगी सरकार के अखंड पाठ वाले आदेश के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए निशाना साधा था, जहां उन्होंने यूपी में पुजारियों के मानदेय को लेकर सरकार पर सीधा सवाल खड़ा किया था। अखिलेश यादव ने लिखा था, सपा सरकार के समय पुजारियों के लिए मानदेय दिया गया था व दर्शनार्थियों को कई सुविधाएं उपलब्ध थीं। आज भाजपा सरकार ना तो पुजारियों का मानदेय बढ़ा रही है, ना जनता के लिए सुविधाएं, बस धन उगाही के नए नए तरीके ढूंढ रही है। भाजपा धर्म का बाजारीकरण कर आस्थाओं का शोषण न करे, जनता आक्रोशित है। वहीं गुरुवार को स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए लिखा, ढोल गवार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। उसी सुंदरकांड का हिस्सा है जिसका सरकार ने पाठ कराने का निर्णय लिया है, यानी सरकार का यह निर्णय महिलाओं व शूद्र समाज को प्रताड़ित व अपमानित करने वाले 3% लोगों का बढ़ावा देने एवं 97% हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने वाला है। अब सपा एक तरफ लगातार सनातन और मानस की चौपाइयों को लेकर सियासत की नई विसात बिछा रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने मानस का पूरे उत्तर प्रदेश में पाठ कराने का सरकारी आदेश पास कर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। और अब इसी विरोध के बीच पूरे उत्तर प्रदेश में धर्म की धुन गूंजने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।